यूट्यूब के चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा विभाग कार्यालय का एक लेटर जारी किया गया है और लेटर जारी होने का क्रम जो है लगातार बना हुआ है, देख सकते हैं। इसमें लिखा है जिला कार्यालय पदाधिकारी चंपारण बेतिया से ये खबर आ रही है, देख सकते हैं। दिनांक 27/11/2021 में बैठक में भाग लेने के संबंध में लेटर जारी किया गया, उसमें क्या कुछ निर्देश लिए गए हैं वो देखते हैं हम। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 में प्रथम एवं द्वितीय चक्र के काउंसिलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु कार्यालय पत्रांक 2007 दिनांक 1/10/2021 के द्वारा आप लोगों को प्राधिकृत किया गया, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। था विभाग द्वारा बार बार जांच किए गए प्रमाण पत्रों के प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। पंचायत चुनाव वर्ष 2020-21 में जो सम्मिलित हैं वे अपने एक प्रखंड साधन सेवी शिक्षक जो आपके देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है विश्वसनीय हो, दिनांक 27/11/2021 को अपराह्न 12:30 बजे देख सकते हैं लिखा है वित्तीय निगरानी शाखा के प्रकोष्ठ में अचूक रूप से प्राथमिकता देते हुए बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है। और देख सकते हैं इसे अति आवश्यक समझें और यहाँ पर लिखा है विश्वास भाजन और यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर किया गया है। वहीं देखिए बड़ी खुशखबरी आ रही है बीएड वालों के लिए, हिमाचल में बीएड वालों की हुई है जीत। देख सकते हैं गाइस कहीं दुख तो कहीं गम, कहीं जीत मिली है तो कहीं हार भी मिली है। देखिए क्या है बीएड एकता जिंदाबाद लिखा है, हिमाचल में बीएड की हुई जीत, आशा है सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही जीत होगी। देख सकते हैं हर हाई कोर्ट पटना, देख सकते हैं यूपी, हर जगह बीएड जीता है केवल राजस्थान को छोड़ के। तो देख सकते हैं गाइस एक अच्छी अपडेट आ रही है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि केवल राजस्थान को छोड़ के जो है हर जगह बीएड की जो है जीत हुई है और जीत का परचम जो है इसने फहराया है, देख सकते हैं। अब देखिए लिखा है कि यहाँ पर देख सकते हैं गाइस लिखा है दो जर्जर कमरों में चलती है कक्षा व कार्यालय, देख सकते हैं लिखे हैं प्राथमिक विद्यालय युद्धाराम की हालत बदहाल, अपनी मर्जी के अनुसार शिक्षक दे देते हैं छुट्टी। तो देख सकते हैं राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों में दाखिला बढ़ाने के जो देख सकते हैं यहाँ पे कि तेज़ी जो है वो करने जा रही है। और देखिए लिखा है कि दो जर्जर कमरों में चलती है कक्षा, तो बहुत ही बुरी हालत है आप देख सकते हैं विद्यालयों की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ऐसा कहा जा रहा है कि उत्क्रमित विद्यालय जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई उत्क्रमित विद्यालय जो बनाए गए, स्मार्ट क्लासेज जो चलाने की व्यवस्था की जा रही है, उसमें भी अभी जो है जो विद्यालय हैं वो अभी तक देखिए सही अवस्था में नहीं हैं। देख लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय में योद्धाराम की हालत बदहाल, देख सकते हैं गाइस। तो अलग अलग जगह की अपडेट जो दी गई है वो आपके स्क्रीन पर है। आगे देखिए लिखा है रिट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड शिक्षक भर्ती जारी की, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी में हुए हाई लेवल मीटिंग, हाई कोर्ट के आर्डर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालने, एनसीटी जल्द सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दिखाएगी, देख सकते हैं गाइस। बड़ी अपडेट आ रही है कि एनसीटी की हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में इधर जाकर एनसीटी की सूचना को रद्द किया है। तो गाइस बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालने की तैयारी भी हो रही है। तो देखिए राजस्थान में भी हलचल मचा हुआ है इसे लेके, बहुत समय से देखिए ये बात चल भी रही थी कि भाई जो प्रक्रिया है उसे बीएड वालों को बाहर ना किया जाए, ठीक है। वहीं देखिए रजनीश कुमार जो कि न्यूज 18 के एंकर हैं और संवाददाता भी हैं, तो उनका क्या कुछ ट्वीट आया है आप देख सकते हैं अखबार और न्यूज 18 डिजिटल पर जो खबर छपी है, प्लीज़ आप लोग चिंतित मत हों क्योंकि मैं 4 दिनों से स्पेशल स्टोरी में व्यस्त हूं जो डेस्क के साथियों ने मीडिया रिपोर्टर्स के आधार पर खबर दिखाई है, देख सकते हैं साथियों ने मीडिया रिपोर्टर के आधार पर खबर पब्लिश की है जो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं 5 से 15 जनवरी पर ही कायम हूँ। तो देख सकते हैं गाइज अभी भी इनका कहना है कि 5 से लेकर 15 जनवरी के बीच में जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो देखिए अब शिक्षा मंत्री के दावे जो हैं वो फेल हो गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो न्यूज़ एडिटर के द्वारा यहाँ पे दिए जा रहे हैं और उनका देखना अब ये होगा कितना ये सार्थक सिद्ध होता है।
फिलहाल तो देखिए कहा जा रहा है, इन्होंने ये बात कह दी है कि 5 से 15 जनवरी के बीच जो है वो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका भी देखिए कहना है कि भाई आप लोग घबराइए मत और जो भी काम हो रहा है उसका अच्छा ही परिणाम आएगा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर संशोधित शेड्यूल जारी हो सकता है। अब देखिए फिर से कहा गया है कि संशोधित शेड्यूल फिर से जारी होने की बात कही जा रही है। 6ठे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। तो देख सकते हैं काउंसलिंग जनवरी प्रथम सप्ताह में करने की बात कही जा रही है और शेड्यूल भी जल्द से जल्द जारी करने की बात कही जा रही है। सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए देखिए 3 दिन शेष, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए जो है वो 3 दिन जो है वो शेष बचे हुए हैं। तो शिक्षक नियोजन को लेकर ये भी अपडेट आ रही है और देख सकते हैं कि जगह जगह की अपडेट्स आई है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर हो गया, देख सकते हैं हर जगह की देख यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या कैसे क्या होगा सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए। ठीक है, कार्यालय आदेश जारी किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे और क्या कुछ बातें लिखी गई है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कार्यवाही की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी, ये भी कहा गया है। तमाम बातें देख सकते हैं यहाँ पे है लिखी हुई। अब ये जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से ये बात कही जा रही थी कि शिक्षकों को उनके ड्रेस कोड में विद्यालय जाना होगा, तो अब ये अपडेट आ रही है कि भाई अब उन्हें फिर से ड्रेस कोड में नहीं जाना होगा। ऐसा आदेश जो है वो जारी किया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। दिनांक 22/11/2021 को अध्यक्ष हस्ताक्षरित की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई है और इसके लिखा है कि सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय की कंडिका 2 में दे सकते हैं लिखा है, क्रियान्वयन किया गया है और इसमें लिख दिया गया है और यहाँ पर दे सकते हैं सिग्नेचर सुग्नेचर सब चीज़ यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें की गई है। तो बड़ी अपडेट है गाइस, पल पल की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों में। नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षक जो हो या फिर प्राथमिक शिक्षक हो सभी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बीएड जो है दोस्तों वो पटना में बाहर नहीं होगा, हर जगह से बीएड को जीत में लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखिए लिखा है कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह से देख सकते हैं लिखा है कि बीएड एकता जिंदाबाद। ठीक है, तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, पल पल घर पे दोस्तों जुड़े रहिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से हम हाजिर होंगे कुछ नए अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो हम तक पहुंचती है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, और जो लोग चिंतित थे कि भाई बीएड जो है वो बाहर होने जा रहा है, तो बीएड कहीं बाहर नहीं हो रहा है, आप लोगों की नियोजन होगा। धन्यवाद, जय हिंद।